वाह भाई वाह भाई वाह, यही है रामचंद्र जी की एक ऐसी दोस्तों गूंज जो कि पूरे देश में फैली हुई है। रामायण का ऐसा चढ़ा है बुखार कि दर्शकों ने इसे बना दिया है दोस्तों टीआरपी के मामले में नंबर वन। नमस्कार, स्वागत करता है राहुल भोज आप सभी लोगों का आप लोगों के फेवरेट चैनल में। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि प्रसार भारती के करता धरता मिस्टर शशि शेखर ने दोस्तों इस बात का ऐलान कर दिया है कि 2015 से लेकर अभी तक के जितने भी सीरियल्स आए हैं उनको इस तरीके की टीआरपी नहीं मिली है जो कि रामायण ने अपने एक हफ्ते के अंतराल में ही दे दी। आपको बता दूं दोस्तों, तो रामायण जिसमें हमने देखा है कि किस तरीके से अरुण गोविल जी ने राम का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया था और वो कैरेक्टर आज भी हमारे जहन में बसा हुआ है। बता दूं आपको दोस्तों, तो ये रामायण का प्रसारण तब शुरू हुआ जब मोदी सरकार ने यानी कि मोदी जी ने हमारे बोला कि 21 दिन का लॉकडाउन होगा, जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, दर्शक बैठे बैठे घर में क्या करेंगे। तो मोदी जी ने हमारे लिए ये अच्छा सजेशन सोचा कि रामायण महाभारत इनको दोबारा से प्रसारित किया जाए जो कि दूरदर्शन के जेम्स हैं। सो ऐसे में दोस्तों टीआरपी के मामले पे नंबर वन चल रहा है रामायण। भाई वाह, दिल खोल के मतलब आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मुझे लगता है और खूब इंजॉय कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से आप घर पे बैठिए और रामायण महाभारत को एंजॉय कीजिए और मोदी जी ने जो कहा है, जो गाइडलाइंस दी हैं, उनको फॉलो कीजिए और अपना ख्याल रखिए। चलता हूँ, टेक केयर।